ठाकुर जी आप वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन राधे राधे आप सभी को। आपको जैसे पता है हमने 100 डेज का चैलेंज दिया है पूरे ब्रजभूमि एक्सप्लोर करने का, बरसाना वृंदावन नंदगांव। तो इसी क्रम में आज हम आए हैं वृंदावन में राधा वल्लभ मंदिर। तो अभी हम खड़े हैं राधा वल्लभ मंदिर के सामने और आपको बता दूँ अभी इसका टाइम है 5 बजे। अभी आपको लेके चलते हैं अंदर। कहाँ कोई रहती है, अभी हम चलते हैं अंदर। और अंदर चलने से पहले आपको बता दूं साइड में सिक्योरिटी वगैरह के लिए पुलिस वगैरह की पूरा इंतजाम किया गया है। पूरी सिक्योरिटी आपको यहाँ मिल जाती है, उन्हें एक्चुअली हम कैमरे में ले नहीं सकते कुछ पर्सनल रीज़न से, तो हम सिर्फ आपको बता रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं सीधा मंदिर की तरफ। अभी हम खड़े हैं राधा वल्लभ मंदिर के बाहर और ये देखिए बाहर गेट अभी बंद है, लेकिन कितना सुंदर डेकोरेट किया है। ऐसा आप वृंदावन के किसी मंदिर में चले जाइए, बांके बिहारी चले जाइए, राधा रमण चले जाइए, ऐसा आपको देखने को मिल ही जाता है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सजाते हैं। अभी यहाँ पे कपाट बंद है राधा वल्लभ मंदिर के। मैं आपको बता दूँ कि राधा वल्लभ मंदिर और कोई भी वृंदावन का मंदिर, उनका अलग अलग टाइम होता है। होली से पहले का टाइम अलग होता है, होली आते ही गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है तो टाइम अलग कर देते हैं, तो टाइम चेंज होता रहता है। और अब तो होली जा चुकी है तो टाइम चेंज हो गया है। ये बंदर देखो कितने आराम से बैठ के प्रसाद खा रही है। जो आंटी दिख रही है ना पिंक सूट में, वही आई थी प्रसाद लेके बैठी थी, पेड़े हैं और बंदर ने आया उनके हाथ से छुड़ा लिया। बगल में बैठ के देखो कितने आराम से डब्बा खोल के बड़े ही मज़े से पेड़े खा रहा है। तो अगर आप वृंदावन आते हैं तो अपना सामान प्रसाद चश्मा मोबाइल सब संभाल के रखिए, कभी भी ले सकते हैं। सबसे पहले बाहर मंदिर में अपने जूते निकाल दीजिए। तो यहाँ पे मैंने और अनाया ने उनके डैडू ने अपने अपने शूज निकाल दिए, अब जाएंगे अंदर की तरफ। खुदो अरे हो जाएगी अच्छा छोड़ 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 चिल्लाओ नहीं। अभी हम चलते हैं मंदिर के अंदर सीधा। अभी मंदिर में ज्यादा रश नहीं है। मंदिर के अंदर हम लोग आ गए हैं। ये है राधा वल्लभ मंदिर अंदर से। और मैं आपको बता दूं इस टाइम मंदिर के कपाट तो खुल गए हैं, लेकिन राधा वल्लभ मंदिर में जो हमारे ठाकुर जी हैं उनका भी पर्दा नहीं हटा है। देखिए आप सामने देख रहे होंगे पिंक कलर का पर्दा लगा हुआ है। तो जितने भी भक्त हैं सब यहाँ पे खड़े हैं, बैठे हैं, राधा नाम का जाप कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं और अपना मतलब इंतजार कर रहे हैं कब कपड़ा हटेगा, कब उनका पर्दा हटेगा और उन्हें दर्शन होंगे। और मैं आपको बता दूँ राधा वल्लभ मंदिर में अगर आप आते हैं इतने सुंदर ठाकुर जी के दर्शन हैं, अगर आप उनको दर्शन कर पाओ, कहते हैं राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, कहते हैं वृंदावन आएंगे सब जगह दर्शन कर लेंगे लेकिन अब राधा वल्लभ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। कहावत भी है राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। बहुत ही सुंदर इनकी आँखें तो इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं। आप जाइए वृंदावन में 3 ही ठाकुर देखें, एक राधा रमण जो छोटे से हमारे ठाकुर जी हैं, बाके बिहारी और एक ये राधा वल्लभ। तीनों की आँखें इतनी सुंदर हैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बहुत ही सुंदर। और अगर राधा वल्लभ को आप गौर से पास से दर्शन कर पाएँ फिर आप देखिए कितने सुंदर है हमारे ठाकुर। यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, पर्दा हटेगा दर्शन करेंगे। और राधा वल्लभ मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं है, सबसे ज़्यादा भीड़ अगर आप जाएंगे तो आपको बांके बिहारी मिलती है। राधा वल्लभ में शाम के टाइम आइए, इतनी भीड़ नहीं मिलती, आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। राधा रमण में भी कर सकते हैं, भीड़ बस आपको बांके बिहारी में ही मिलेगी। इस टाइम बांके बिहारी में तो भीड़ मिलती ही मिलती है, आप कभी भी चले जाओ। अगर आप चाहते हैं भीड़ आपको कम मिले तो शाम को जब कपाट बंद होने वाले होते हैं आप उस टाइम दर्शन करने जाइए, आपको भीड़ कम मिलेगी। तब थोड़ी देर में यहाँ पर्दा हट जाएगा और हम सब दर्शन करेंगे राधा वल्लभ जी के। मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोग भी दर्शन कीजिए राधा वल्लभ जी के। और बहुत ही सुंदर ठाकुर हैं, बहुत ही सुंदर। जय कन्हैया लाल की।
राधा वल्लभ के पीछे ही कहानी भगवान शिव से जुड़ी हुई है। कहा जाता है ब्राह्मण आत्मदेव भगवान शिव के परम उपासक थे। भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए उन्होंने कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें वरदान मांगने का। ब्राह्मण आत्मदेव ने भगवान शिव से कहा कि उन्हें कुछ ऐसा प्रदान कीजिए जो आपके हृदय के सबसे प्रिय हो। तब भगवान शिव ने अपने हृदय से श्री राधा वल्लभ को प्रकट किया। जब श्री राधा वल्लभ का विग्रह भगवान शिव ने आत्मदेव को दिया, उसी के साथ भगवान ने उन्हें राधा वल्लभ की सेवा भी प्रदान की। इसके बाद कई सालों तक ब्राह्मण आत्मदेव उनके वंशज राधा वल्लभ की सेवा करते रहे। लेकिन भगवान राधा वल्लभ को श्री कृष्ण के अनुयायी हित हरिवंश महाप्रभु वृंदावन लेकर आए थे। जब हरिवंश महाप्रभु को एक रात सपने में श्री राधा जी ने आदेश दिया कि तुम मेरे स्वरूप को ब्राह्मण आत्मदेव से लेकर वृंदावन ले जाकर स्थापित करो। हरिवंश महाप्रभु राधा वल्लभ को लेकर वृंदावन आए और मदन टेर जैसी ऊंची ठौर बोला जाता है वहां पर विराजमान किया, लताओं का मंदिर बनाया। जब उनके बड़े पुत्र गद्दी पर बैठे वचन महाप्रभु, तब उनके शासन काल में यहां पर एक पहला मंदिर बना है राधा वल्लभ जी का, जो मंदिर वृंदावन में राधा वल्लभ जी का सबसे पुराना मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि राधा वल्लभ दोनों एक में युगल हैं, आधे में कृष्ण जी और आधे में राधा जी, दोनों एक ही स्वरूप है। हरिवंश महाप्रभु की गुरु राधा रानी ने दीक्षा दी हरिवंश महाप्रभु को, तो हरिवंश महाप्रभु को इस राधा वल्लभ जो कि युगल है, और बगल में जो गद्दी है छोटी सी जो विराजमान है वो राधा रानी की गुरु रूपा से गद्दी है, हरिवंश महाप्रभु की गुरु राधा रानी जिनकी उन्होंने गद्दी स्थापित की है। इसलिए राधा वल्लभ के बारे में एक कहावत बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, सहसा दर्शन नहीं हो सकते किसी भी ताकत से, यह हृदय का खेल है। हृदय की भावुकता होगी, प्रेम होगा, तब दर्शन होंगे। कोई अपनी ताकत से आना चाहे तो नहीं आ सकता यहाँ पे। जब राधा वल्लभ आपको याद करेंगे और आपका भाव होगा तो राधा वल्लभ खुद बुलाएंगे आपको दर्शन के लिए, इसलिए कहते हैं राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। तो कौन कौन ऐसा जो वृंदावन आया और उन्होंने राधा वल्लभ के दर्शन नहीं किए, और वृंदावन कौन कौन आ रहा है, आइए और राधा वल्लभ के दर्शन कीजिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे दर्शन है। मैं और अनाया नीचे थे, बाद में अनाया ऊपर जा रहे हैं, हमें परमिशन मिल गई थी और बहुत ही सौभाग्य थे, वरना आप नीचे से ही दर्शन करते हैं और बहुत ही मुश्किल से आपको ऊपर ऐसे बैठ के दर्शन होते हैं। हमारे ऊपर राधा वल्लभ जी की, राधा रानी की, बाकी बिहारी की सच में कुछ तो कृपा है जो हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, इतने पास से बैठ के उनके हमने दर्शन किए। इतना सुंदर उनका स्वरूप है कि मैं क्या बोलूँ, शब्द नहीं है, मैं उनके स्वरूप को बयां नहीं कर सकती। आप देखिए, और जो राधा वल्लभ गए हैं उन्हें तो पता होगा, जो नहीं गए आप एक बार जाइए और उनके दर्शन कीजिए और बस उनकी छवि आँखों में बसा लीजिए। इतनी सुंदर उनकी आँखें हैं कि मतलब आँखों से नज़र ही नहीं हटती, इतने सुंदर हैं हमारे राधा वल्लभ जी। उनका स्वरूप वाकई में सबसे अलग है, और कहते हैं इन्हें भगवान शिव जी ने स्वयं अपने हृदय से प्रकट किया है। उनकी सबसे प्रिय वस्तु है ये राधा वल्लभ। राधा वल्लभ कहते हैं राधा और कृष्ण दोनों का जुगल सरकार का एक ही स्वरूप, कितनी बड़ी बात है। और मतलब हमें ऐसे दर्शन करने को मिले, हमारा सौभाग्य है। हम बस यही कहेंगे राधे राधे। इतने सुंदर ठाकुर जी आपने कहीं देखे हैं? यहाँ कोई मैया अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी को दर्शन कराने के लिए लाई थी राधा वल्लभ जी के, और यहाँ पे देखिए कितने सुंदर इनके लड्डू गोपाल और राधा रानी हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और दोनों को ऐसा लग रहा है शादी का जोड़ा पहनाया हुआ है, बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर। और हमने भी इनके दर्शन किए, और आप अगर वृंदावन जाएंगे गली गली में, आप मंदिर ना पहुँचे लेकिन आपको राधा कृष्ण दर्शन दे ही देते हैं, कहते हैं अगर आपके मन में भाव है कहीं ना कहीं किसी भी रूप में आपको दर्शन मिल ही जाते हैं। और यहाँ सामने देखिए हमारे ये राधा वल्लभ जी, इनका स्वरूप मतलब मैं क्या कहूँ। मैं अगर वीडियो, मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, आप मानेंगे वॉइस ओवर करते करते मेरे आँखों में आंसू है, मेरा ऐसा भाव है और ऐसा सौभाग्य है कि हमें याद किया, हमें दर्शन दिए, हमें इस लाइक समझा कि हमें अपने दर्शन के लिए बुलाया। कहते हैं ना राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, और ये अनाया देखिए कितने प्यार से दर्शन कर रही है। बस मैं तो एक बार कहूँगी, जो भी वृंदावन आना चाहता है, राधा रानी सब पे कृपा बसाएं, सब वृंदावन आए, सबको दर्शन मिले जैसे हमको मिले। राधा रानी की जय।
आज हमें राधा वल्लभ मंदिर में हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के गुरु जी के भी दर्शन हो गए। अगर आप राधा वल्लभ मंदिर आते हैं तो इनका एक समय होता है आने का, उस समय जाके आप इनसे मिल सकते हैं, इनके दर्शन कर सकते हैं। हमारा सौभाग्य था आज हमें इनके भी दर्शन हो गए। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी को तो हमने गुरु माना है, हमारे गुरु हैं ही, आज उनके भी गुरु के दर्शन हो गए। और आपने कई वीडियोज़ उनकी देखी होगी, कितने लाड प्यार से आके इनसे मिलते हैं। इनका नाम भी मोहित गोस्वामी जी है और ये प्रेमानंद जी महाराज के गुरु हैं। जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रही हूँ, बाकी तो सबको पता ही होगा जो प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो करते हैं, उनसे प्रेरित हैं। और हमारे सौभाग्य थे कि आज हम इनसे मिले और दर्शन हुए, हमारी इनसे बातचीत हुई और इन्होंने बड़े ही प्यार से हमसे बात की। मैं कई चीज़ें इनसे पूछना चाहती थी, जानना चाहती थी। इन्होंने कहा अभी एक्चुअली भक्तों की भीड़ भी थी, तो उन्होंने कहा कल आप आइए 12:30 बजे या किसी भी दिन 12:30 बजे के बाद आइए, उन्होंने समय दिया था। तो हम जाएंगे 12:30 बजे, उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। और बस हमारे सौभाग्य थे कि हमें दर्शन हो गए, राधा वल्लभ जी के भी दर्शन हो गए और उनके गुरु जी के भी दर्शन हो गए। जो गुरु जी आपने देखा होगा प्रेमानंद जी महाराज के गुरु हैं, आप सबको पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ मैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और कोई भी ऐसी जगह वृंदावन में जो आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। पूरी कोशिश करेंगे अगला ब्लॉग हम आपके लिए वहीं का बनाएं। राधे राधे।